Assalamu alaikum viewers, hope you all are doing well and I am once again here with you on my channel Daily Meal Corner. आज हम हाजिर हुए आपके साथ दो बहुत मजे की delicious recipes लेकर, Chinese rice और egg fried rice, chicken egg fried rice और साथ में हम बनाएंगे chicken chili gravy. तो चलिए हम अपनी recipe की तरफ चलते हैं. सो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है वो अपना एग चिकन फ्राइड राइस बनाएंगे और उसके लिए सबसे पहले हम जो है वो चिकन को फ्राई करेंगे. इस चिकन को मैंने बिल्कुल जो है वो क्यूब्स की फॉर्म में छोटा छोटा कट किया है और इसमें मैंने अंडा, मैदा, नमक और काली मिर्च ऐड करके इसको मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको हल्के से ऑयल में जो है वो फ्राई करूँगी और हम इसकी फ्राइंग की तरफ चलते हैं. तो व्यूवर्स, हम यहाँ पर अपने चिकन को जो है वो फ्राई कर रहे हैं. जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपने जो है वो थोड़े से ऑयल में इसको फ्राई करना है और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई कर लेना है और फिर इसको अपने एक पॉट में जो है वो निकाल लेना है. सो यहाँ हमारा जो चिकन है वो फ्राई हो गया है. हमने इसको मैदा और अंडा लगाया था, तो मैदा और अंडा जब लगा के फ्राई करते हैं तो चिकन बहुत फ्लफी फ्लफी सा फ्राई होता है और हमने इसको बहुत ज़्यादा जो है वो फ्राई नहीं किया क्योंकि अभी जब हमने चाइनीज़ चावलों का जो मसाला बनाना है उसमें भी इसमें मज़ीद फ्राई होना है. सो आपने इस तरह का जो चिकन है वो फ्राई कर लेना है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ. सो अब यहाँ पर जो है वो हम अपने चाइनीज़ राइस के लिए अपना मसाला जो है उसकी प्रिपरेशन करेंगे और जो है वो इसके लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पैन में जो है वो 2.5 चम्मच ऑयल जो है वो डाल लिया और इसमें हम जो है वो तकरीबन छोटे साइज़ का, मैंने इतने साइज़ का प्याज लिया था जो मैंने तकरीबन एक ही पूरा जो है वो कट किया और मैं इसमें डाल के इसे फ्राई करूँगी. सो यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको गोल्डन करना है, ब्राउन नहीं करना और इसी पॉइंट पर मैं इसके अंदर जो है वो गार्लिक का पेस्ट 1 टेबल स्पून ऐड कर दूँगी. इसको पेस्ट को इससे हिलाना है. आपने व्यूवर्स इसके अंदर बहुत थोड़ा सा जो है वो जिंजर पाउडर ऐड करना है. लाइक मैं इसमें बिल्कुल ये थोड़ा सा जो है वो जिंजर पाउडर ऐड कर रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं ऐड करना. अब इस पॉइंट पर जो है मैं फ्राइड किया हुआ चिकन इसके अंदर डाल दूँगी. अब आपने इसके अंदर जो है वो 1/2 टेबल स्पून जो है वो वाइट शुगर जो है वो मैंने ऐड की है वो आपने कर लेनी है. सबसे पहले जो आपने वेजिटेबल ऐड करनी है इसके अंदर वो कैरेट्स ऐड करनी है. मैंने इनको जो है वो लॉन्ग फॉर्म में कट किया है, वो आपने इसमें ऐड कर लेनी है. फाइव मिनट्स तक जो है वो आपने कैरेट्स डालने के बाद इसको फ्राई करना है और उसके बाद जो आपने वेजिटेबल डालनी है वो होगी कैबेज यानी बंद गोभी. तो हम 5 मिनट्स का वेट कर रहे हैं, हमारे 5 मिनट्स होने वाले हैं एंड देन हम इसमें कैबेज जो है वो ऐड कर देंगे. सो हमारे 5 मिनट्स हो गए हैं. अब आप ये देखिए, मैंने ये बंद गोभी ली है, इसको मैंने लॉन्ग फॉर्म में और बिल्कुल ब्रीक सा कट किया है, वो हम इसमें ऐड करके इन दोनों को फिर हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह से और साथ ही हम अपने स्पाइसेस इसमें जो 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे. सो यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि आपने साथ साथ जो है वो एज पर रिक्वायरमेंट ऑयल की जो टेबल स्पून्स हैं वो ऐड करते जाने हैं क्योंकि ये फ्राइंग का प्रोसेस चल रहा है तो उसमें ऑयल जो है वो कंज्यूम होता है टाइम टू टाइम. अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस 1 बाय 1 ऐड करूँगी. सबसे पहले मैंने लिया है 1 टेबल स्पून सॉल्ट, आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेना है. 2 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी ब्लैक पेपर के, 1 टेबल स्पून पाकिस्तानी चाइनीज सॉल्ट, 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर, सोया सॉस ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली. मैं यहाँ पर जो है वो तकरीबन 2 टेबल स्पून के राउंड अबाउट जो है वो इसको ऐड कर रही हूँ. लास्ट में हम इसके अंदर जो स्पाइस ऐड करेंगे सॉस वो वेस्टर्नशायर सॉस है, ठीक है, ये आपके टेस्ट को इन्हांस करती है, इसको एज एन एनहांसर ही यूज़ किया जाता है. इसके फ्यू ड्रॉप्स जो है वो आपने ऐड कर देंगे. अब आपने इनको हाई फ्लेम पर जो है वो मिक्सअप करना है. सो लास्ट पे जो हमारी वेजिटेबल रहेगी थी वो कैप्सिकम है, वो हमने इसमें ऐड कर दी है. आप चाहे तो इसमें मटर जो है वो भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मुझे अवेलेबल नहीं हो सके तो मैंने ऐड नहीं किया. तो व्यूवर्स, आप इसकी फाइनल लुक देखें कि ये कितना डिलीशियस है. मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना वो स्प्रिंग अनियन सबस प्याज जो है वो मैंने इस पर स्प्रिंकल किया है, वो ऑल्दो के हम एंड पे भी इसमें ऐड करेंगे अपने राइस में, लेकिन मैंने थोड़ा सा मिक्सचर में भी ऐड कर दिया है.
और अब हम चलते हैं अपने जो है वो चिकन चिली ग्रेवी की रेसिपी की तरफ। सो व्यूअर्स, अब हम जो है वो अपना चिकन चिली ग्रेवी जो है वो बनाने लगे हैं, और आप देख सकते हैं कि साथ जो है वो मैंने राइस के लिए पानी रख दिया है। और अब जो है वो मैं यहाँ पर आपके सामने पैन में जो है वो मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है, और इसमें सबसे पहले जो थिंग हम ऐड करेंगे वो होगा हमारा चिकन। सेम वही प्रोसीजर है, हमने चिकन को बिल्कुल वैसे ही मैरिनेट किया है जैसे हमने चाइनीज़ राइस के लिए मैरिनेट किया था। अब मैं इस चिकन को जो है वो इसमें ऐड कर दूँगी। इसी तरह से हमने इसको फ्राई करना है सॉफ्ट सॉफ्ट सा। आपने बिल्कुल पहले की तरह ही इसको जो है वो आपने थोड़ा सा फ्राई करना है, और इसको किसी प्लेट में फिर आपने निकाल लेना है। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये तकरीबन हो गया है, और अब मैं इसको जो है वो प्लेट में निकाल दूंगी और बाकी का प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। अब हमने जो है वो यहाँ पे पैन में दोबारा से 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, और ये है जिंजर और गार्लिक का पाउडर है जो मैं इसमें ऐड करके इसको जल्दी जल्दी से जो है वो घुमा के इसको फ्राई कर लूँगी। साथ ही व्यूअर्स, इसमें जो है वो मैंने प्याज ऐड कर दिया है, इसमें मैं कैप्सिकम ऐड करने लगी हूँ। हाँ जी, इनको जो है वो हम आप फ्राई करेंगे थोड़ा सा। इनको इतना फ्राई करना है कि इनकी जो है वो एक जो सेंट होती है खुशबू वो आपको आए, ठीक है। तब तक जो है ना इनको आपने फ्राई करना है। अब इसके अंदर जो है वो हम ग्रीन चिलीज लॉन्ग लॉन्ग फॉर्म में पैक की हैं वो ऐड कर देंगे, इसको मसीज फ्राई करेंगे। सो अब हम जो है वो इसके अंदर ग्रीन अनियन जो है वो सबस प्याज स्प्रिंग अनियन ऐड कर देंगे, और इसको हमने बहुत ज़्यादा जो है वो फ्राई नहीं करना, हल्का हल्का सा हमने इसको रखना है। और साथ ही इस पॉइंट पर हम अपना जो चिकन है वो इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसे जो है वो थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर जो है वो 1/2 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे। वाइट शुगर मैंने ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो शुगर का जो है वो ज़्यादा भी क्वांटिटी कर सकते हैं। अब जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करेंगे वो एज पर टेस्ट होंगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इन सब इंग्रेडिएंट्स को ऐड कीजिएगा। सॉल्ट 1 टेबल स्पून, क्योंकि सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है। 1/2 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट, 1/2 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर, वर्स्टरशायर सॉस टेस्ट एनहांसर। अब हम इन सबको जो है वो मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर जो है वो अपना चिकन स्टॉक जो मैंने ऑलरेडी निकाल लिया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये आपने अपने हिसाब से ऐड करना है, अगर आप ज़्यादा इसको ग्रेवी रखना चाहते हैं लाइक आप मसाला इसका ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर लें, इट्स अप टू यू। थोड़ा रखना चाहते हैं थोड़ा ऐड कर लें। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक जो है वो ये बॉयल नहीं हो जाएगा। हम इसके अंदर जो है इस पॉइंट पर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे जो हमने वाटर में ऑलरेडी मिक्स किया हुआ था, ये आपने अपने हिसाब से ऐड करके और इसको जल्दी जल्दी से आपने स्टिर करना है। और इसकी थिकनेस जो भी कंसिस्टेंसी जो है वो आपने रखनी है ना, इट्स अप टू यू। आपने अगर ज़्यादा कंसिस्टेंसी रखनी है तो आप ज़्यादा कॉर्नफ्लोर ऐड कर लें। अब इस पॉइंट पर ना आपने इसको तेज़ आँच पर जो है वो हाई फ्लेम पर आपने इसको कुक करना है। तो फाइनली व्यूअर्स, हमारा जो चिकन चिली ग्रेवी है वो आपके सामने रेडी हो गया है। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि आप अपनी मर्जी से इसकी कंसिस्टेंसी, इसका जो वाटर पोर्शन है आप उसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक मुझे यहाँ पर जो है वो ज़्यादा लोगों के लिए कुक करना है, सो मैंने यहाँ पर जो अपना लिक्विड पोर्शन है वो ज़्यादा रखा है, आप चाहें तो इसे थोड़ा भी रख सकते हैं। दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर चिकन चिली ग्रेवी। सो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम चलते हैं अपने चाइनीज़ राइस की असेंबलिंग की तरफ। सो जैसा कि हम चिकन एग फ्राइड राइस बना रहे हैं, सो इसके लिए हमने यहाँ पर जो है वो एक पैन में ऑयल ले लिया है, और हम अपने एग्स जो है वो 1 बाय 1 करके इसमें ऐड करेंगे और उनको फ्राई करेंगे। सो हियर वी गो।
अब हम चाइनीज राइस जो है हमारे उनकी सैम्पलिंग करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे देगची ले ली है और इसमें थोड़ा सा ऑयल सेपरेट कर लिया है, और जो हमारा मिक्सचर था वो अब हम इसमें जो है वो ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर जो है अपने राइस ऐड करेंगे। हेयर वी गो। हमने अब इनको दम लगाना है, उसके लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा चिकन स्टॉक जो है वो इस राइस जो है उनके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ, और साथ ही मैं इसके ऊपर 1 टेबल स्पून जो है वो ऑयल का स्प्रेड कर रही हूँ। और यहाँ पर है सबसे टेस्टी चीज़ जो एग फ्राइड राइस और चिकन एग फ्राइड राइस के टेस्ट को इन्हांस करती है, स्प्रिंग अनियन, वो मैं इसके ऊपर, और हमारा शेडर्ड एग वो इस पर स्प्रेड करेंगे, और इसको हम जो है वो 10 to 15 मिनट्स के लिए दम दे देंगे। व्यूअर्स, हमारे राइस जो है वो बिल्कुल जो है वो हो गए हैं, दम हमने हटा दिया है, और अब हम इन्हें मिक्स करेंगे, और आप ये देख सकते हैं कि कितनी यमी से लुक जो है वो अपीयर हो गई है राइस की। हेयर वी हैव डन विद आवर डिशेस। तो व्यूअर्स, यहाँ पर जो है वो हमारे चिकन एग फ्राइड राइस हैं, या आप उनके फाइनल लुक देख सकते हैं कितनी यमी और तफी डिलीशियस लुक है। और यहाँ पर हमारी जो है वो चिकन चिली ग्रेवी है जो हम इन राइस के साथ खाने वाले हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। जाते जाते आपसे गुजारिश है कि रेसिपीज को जरूर ट्राई करिएगा, मेरे चैनल डेली मील्स कॉर्नर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छा सा कमेंट छोड़िएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।